नमस्कार दोस्तों, नयनतारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पेड़ पौधों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि पौधे आपको किस दिशा में लगाना चाहिए तथा कौन से पौधे हमारे लिए शुभ होते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए चलते हैं, मैं आपको जानकारी देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, इन पौधों को आपको उत्तर या पूरब की दिशा में लगाना चाहिए। इससे ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। इसके बाद आप तुलसी का पौधा जो है प्रत्येक घर में होना चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, हमारे डिप्रेशन को कम करता है तथा वास्तु दोष दूर होते हैं। तुलसी को मुख्यतः ईशान कोण में लगाया जाता है, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना। और यदि आपके घर में आंगन है और जगह है तो आप आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर रखें। पूरब, उत्तर, पश्चिम, जो भी आपके फूल वाले पौधे हैं इन तीनों दिशाओं में आप लगा सकते हैं। दक्षिण की दिशा में आपको पौधे लगाने से बचना चाहिए। दक्षिण दिशा में पौधे नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि ये शुभ फल नहीं देते हैं। मनी प्लांट मुख्यतः सभी घर में पाया जाता है, लोग इसको लगाते हैं, लेकिन अगर आप इसे गलत दिशा में लगा लेंगे तो आपकी आर्थिक हानि होने लगती है। मनी प्लांट आपको बताना चाहूँगी, मनी प्लांट जो हमें लगाना चाहिए वो दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। गलती से अगर आपने इसे उत्तर या पूर्व में लगा लिया है तो आपका पैसा जो है आय से अधिक खर्च होगा, पैसे में बरकत नहीं होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पौधे जो हैं घर में लगाना बेहद शुभ होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।